दिल्ली, जयपुर और लखनऊ के बाद आज कानपुर में भी स्कूलों को एक मेल आया। उस मेल के जरिए स्कूलों को ये धमकी दी गई कि बम से उड़ा दिया जाएगा। कानपुर शहर के तकरीबन 10 से ज्यादा स्कूलों को ये मेल पहुंचा। बताया जा रहा है कि टॉप 10 स्कूल जो प्राइवेट स्कूल हैं उन्हें ये मेल पहुंचा, जिसके बाद से स्कूलों में हड़कंप मच गया। स्कूल के प्रशासन ने पेरेंट्स को मैसेज किया, जिसके बाद स्कूल की छुट्टी कर दी गई और बच्चों को घर भेज दिया गया। वहीं पुलिस टीम की बात की जाए तो पुलिस यहां पर मौके पर पहुंची और तलाशी ली। इसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम भी यहां पर पहुंची है। एडिशनल कमिश्नर ने बताया है कि मामले में गंभीरता से जांच की जा रही है। इसके साथ ही उस मेल का भी पता लगाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि यह मेल रूस के सर्वर से आई है और इसकी भी जांच की जा रही है। इस तरह से शहरों में जिस तरह से स्कूलों को मेल भेजकर धमकी दी जा रही है, ये एक चिंता का विषय है। इसकी एक बड़ी जांच की जरूरत है ताकि ये पता चल सके कि इस तरह की अफवाह या धमकी देने वाला कौन है। कानपुर से संदीप सविता, श्रेष्ठ यूपी। हमको ये मेल आई थी 13 तारीख को 12:42 पे। सेम टाइप की मेल थी जैसे दिल्ली स्कूल्स में भी आई थी कि स्कूल में एक्सप्लोसिव्स हैं और कुछ भी खतरा हो सकता है। तो परसों क्योंकि स्कूल बंद था चुनाव के कारण, हमारे बालिका विद्यालय में इलेक्शन का बूथ भी बना था, तो कल हमने उस मेल को देखा और हमने इमीडिएटली जो है DCP जी और DM साहब को हमने उस कॉपी का मेल का कॉपी भी भेज दिया था और एक लेटर भी दे दिया था कि वो जो भी कर सकते हैं हमारे लिए करें ताकि हमारा स्कूल और बच्चे एकदम सेफ रहे। तो उनकी टीम आ गई थी रात को और सारा स्कूल जो है उन्होंने फ्रिस्क किया, एक एक जगह जाके उन्होंने सब देखी और बता दिया कि ऐसे कोई खतरा नहीं है, बाकी एहतियात में आप जो भी कर सकते हैं आप कर सकते हैं, बट स्कूल बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो आज स्कूल खुला था, सुबह खुद घूम के मैंने एम्प्लॉयज ने सब जगह देखी, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। बट हाँ ये है कि अभिभावकगण जब उन्होंने पेपर में पढ़ा कि ये ऐसा ऐसा हुआ है स्कूल में मेल आई है, तो वो अपने बच्चों को घर ले जाना चाहते हैं। तो ठीक है, जो बच्चे ले जाना चाहते हैं ले जाए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और बाकी आज फिर से डॉग स्क्वाड भी आया था और सारे स्कूल की चेकिंग फिर से हुई है और ATS भी एक्सपेक्टेड है, वो भी अभी आएंगे और सारा कुछ चेक करेंगे। तो स्कूल को वैसे कोई खतरा नहीं है, इट्स ऑल सेफ एंड साउंड। पुलिस कमिश्नर कानपुर नगर को एक सूचना प्राप्त हुई है कि विभिन्न स्कूलों में एक थ्रेटनिंग ईमेल आया है जिसमें स्कूल प्रमाइसिस को बम से उड़ाने की बात की जा रही है। तत्काल प्रभाव से इसमें अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है, साइबर सेल इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है और इसके अलावा सभी DCPs को निर्देशित किया गया है कि ACPs के नेतृत्व में टीम बना करके सभी स्कूल्स को जो है वो कॉन्फ्रेंस में लिया जाए और स्कूल्स को जो है वो मॉनिटर किया जाए, उनकी सिक्योरिटी अरेंजमेंट CCTV फुटेज को देखा जाए। क्योंकि इस तरह की ईमेल्स पहले भी दिल्ली और नोएडा और लखनऊ में आ चुके हैं, इसलिए जो है वो उन और इन ईमेलों में क्या कॉमन पैटर्न है, क्या सेम है या कोई अलग अलग है, इस बिंदु पर भी जो है वो जाँच की जा रही है। मेरा सभी अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन से अनुरोध है कि पैनिक ना हो, इस तरह के मेल्स पहले भी आए थे, हम लोग अपना पूरा सिक्योरिटी प्रिकॉशंस ले रहे हैं और आपसे जो है वो हमारे नज़दीकी जो पुलिस स्टेशन और ACP हैं वो संपर्क करेंगे और आपसे जो आवश्यक कार्रवाई की अपेक्षा है वो की जाएगी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुँचती रहे।